नमस्कार दोस्तों, मेडिकल साइंस कहता है कि बच्चे को जन्म देने के लिए महिला का उम्र का बड़ा रोल होता है। जिस उम्र तक मासिक धर्म चक्र चलता रहता है, आप गर्भवती हो सकती हैं और बच्चे को जन्म दे सकती हैं। पर एक उम्र के बाद महिलाओं में मेनोपॉज शुरू हो जाता है, जिसके बाद गर्भवती होना प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। हालांकि एक हैरान कर देने वाले मामले में बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र 70 साल बताई जा रही है, एक नहीं बल्कि जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है। ये मामला युगांडा का है। A 70-year-old Ugandan woman. I have no words for Dr. Sally's kindness. पर सवाल ये उठता है कि जब प्राकृतिक रूप से संभव ही नहीं है तो महिला ने बच्चे को जन्म कैसे दिया? आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, युगांडा की रहने वाली 70 वर्षीय सफीना नामुक वेया ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया है। इसके बाद सफीना बच्चे को जन्म देने वाली सबसे उम्रदराज महिलाओं में से एक बन गई हैं। और सफीना के पति को जब यह बात पता चली तो वह सफीना को छोड़ दिया। हालांकि सफीना का कहना है कि लोग उनके निसंतान होने का मजाक उड़ाया करते थे, इसकी वजह से उन्होंने बच्चा पैदा करने का फैसला लिया। सफीना कहती है कि मुझे इस बात की चिंता थी कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरी देखभाल कौन करेगा, इसलिए मैंने इस उम्र में मां बनने का फैसला लिया। दोस्तों, आपको बता दूं, IVF के जरिए ऐसा संभव हो पाया है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि महिला ने डोनर एग्स का इस्तेमाल किया था या फिर अंडों को पहले से फ्रीज करा के रखा था। आपको बता दूं, आमतौर पर कई देशों में महिलाएं 45 से 55 वर्ष की उम्र के बीच मेनोपॉज से गुजरने से पहले अंडे को फ्रीज करा देती हैं, जिसका वह जब चाहे गर्भवती होने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। यह प्रक्रिया IVF के जरिए संभव होती है। IVF का मतलब इन विंट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। जब शरीर अंडे को निषेचित करने में विफल रहता है तो उन्हें प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है। एक बार जब अंडे निषेचित हो जाते हैं तो भ्रूण को मां के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और आपको बता दूं, सफीना इसी तरीके से मां बनी है। हालांकि एरामाटी मगम्मा के पास वर्तमान में सबसे बुजुर्ग जीवित मां होने का रिकॉर्ड है, जिन्होंने 72 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया था। वहीं अगर बात की जाए सबसे कम उम्र में मां बनने का रिकॉर्ड, तो कुछ किस्से ऐसे होते हैं कि उन पर भरोसा कर पाना नामुमकिन होता है। पेरू में रहने वाली लीना मेडिना ने 5 साल की उम्र में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। डॉक्टरों के मुताबिक 5 साल की उम्र में ही लीना के यौन अंग पूरी तरीके से विकसित हो चुके थे। बात कुछ ऐसी थी कि लीना जब 5 साल की थी तब उनके पेट का आकार अचानक बढ़ने लगा। लीना के माता पिता को लगा कि यह पेट ट्यूमर की वजह से बढ़ रहा है। हालांकि उस समय ग्रामीण इलाकों में अस्पताल की सुविधा नहीं थी, इसी के चलते परिवार गांव के ही एक ओझा से झाड़ फूक होता रहा, जिससे लीना के गर्भ में पल रहा बच्चा पनपता चला गया। हालांकि आज भी यह सवाल उठता रहता है कि आखिर 5 साल की बच्ची प्रेग्नेंट कैसे हुई। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।